अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर किया गया दौरई क्षेत्र में हवन का आयोजन। पूरे देश में रामलला आयोजन को हर्षोल्लास से देखा जा रहा है। 500 वर्षों से चले आ रहे इस मुद्दे पर आखिरी मोहर लगने के बाद लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। आज जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है तो पूरे देश इसे एक उत्सव के तौर पर देख रहा है और अलग अलग जगहों से ढेरों सारी प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। ऐसी ही झलक दौराई क्षेत्र के ग्रामीण में देखने को मिली जहां पर आज हवन का आयोजन किया गया। दौराई क्षेत्र के चंद्रवान गुर्जर ने इस बात को लेकर काफी खुशी जाहिर की और उन्होंने बताया कि हम इस दिन को दीपावली से भी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे अहम दिन है। हम शाम को दीपक जलाएंगे तथा एक दूसरे को मिठाइयां वितरित करेंगे। आज हमारे श्री राम जी का जो जन्म स्थल है अयोध्या, वहाँ पर जो 500 साल की हमारी प्रतीक्षा थी, 500 साल से हम इस प्रतीक्षा में थे कि कब हमारे राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। वो प्रतीक्षा की घड़ी खत्म हो गई है और अभी हम सब निशब्द हैं। क्या बोलें, क्या करें, इतनी खुशी हो रही है मन में, इतना हर्षोल्लास है, पूरा देश खुशियाँ बना रहा है और आज हमको ऐसा लग रहा है बस जैसे श्री राम जी का जन्म आज हुआ है। इस तरह की खुशियाँ हमको देखने को मिल रही है और इसी को लेकर हम हमारे ग्राम पंचायत दोरई क्षेत्र के अंदर, क्योंकि दोरई में आप अगर किसी से मिलेंगे तो सबके मुँह पर जब मिलते हैं सब राम राम बोलते हैं, हम यहाँ पर जय सिया राम बोलते हैं, तो ये हमारे मुँह पर जो है जय सिया राम, उन श्री राम जी का मंदिर का जो भव्य निर्माण का जो सपना था वो सपना आज पूरा होने जा रहा है। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके हाथों से आज भूमि पूजन होने जा रहा है और भूमि पूजन होने के बाद में वहाँ पर एक भव्य और बहुत बड़े राम मंदिर, श्री राम मंदिर का निर्माण होगा और इसके लिए कई पीढ़ियाँ खप गई, कई पीढ़ियाँ जो है चली गई। हम देखते थे, हम तो हमारे जन्म से देख रहे हैं, हमारे पिताजी उनके जन्म से देख रहे हैं, इतने 500 साल हो गए लेकिन वो इंतजार की जो घड़ियाँ हैं वो खत्म हुई है और इसी उपलक्ष्य में हम ग्राम पंचायत दौरे में हमने आज हवन यज्ञ का कार्यक्रम करा है बालाजी मंदिर दोरई में और हम हमारे ग्रामवासियों को यहाँ पर सबका मुंह मीठा कराएंगे, सबको मुंह मीठा कराकर सबसे हम खुशियाँ बांट रहे हैं और सभी से हमने ये आग्रह भी करा है कि शाम को प्रत्येक घर में दिए जलाए जाएं, सभी लोग घर में रोशनी करें, जिस तरह से हम दिवाली मनाते हैं उस तरह उत्सव के माहौल के अंदर इस भव्य पल का, हम इस सुनहरे पल का हम आगाज करें। आज हमको वैसे मैं क्या कहूँ, मतलब निशब्द हो रखे हैं, कुछ शब्द नहीं निकल रहे हैं कि अब क्या बोला है, कैसे किस तरह से हमारी खुशियाँ व्यक्त करें, लेकिन हमने जो है आज हमने एक तो यज्ञ का कार्यक्रम और दूसरा शाम को हमारे यहाँ पर दोरे में दो मंदिर हैं बालाजी के, हम दोनों मंदिर में बिल्कुल दीपावली की तरह लग रहा है और हम शाम को श्री राम जी के नाम का दीपक से हम पूरा श्री राम जी का नाम लिखेंगे, पूरा बनाएंगे और पूरा गांव खुशियाँ बना रहा है, पूरा भारत खुशियाँ बना रहा है और पूरा विश्व खुशियाँ बना रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह से जो है श्री राम जी का मंदिर का निर्माण जो है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हमारे समक्ष हमारे सामने इस मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। चंद्रवान गुजर दोरई।